आज जिनसे जिम जा रहा है तेरा भाई है? मतलब तू सीधा सीधा जाती है कि मम्मी आप घर से निकल जाओ। क्यों दिखा लेंगे यार आप पर चिटे तो क्या व्रत यार। गाइस हम फाइनली आ गए हैं नानी घर। सत श्री अकाल नानी। हाय गाइस ये वो वाला होगा ब्रह्मांड वाला है ना जी करता है। हां ये पकड़। और तू हमारे क्या बोलूं तुझे ब्रदर ब्रदर नहीं नहीं हमारे बड़े भाई। मोटे हो गए थोड़े। मोटे हो गए। सात दिन से जिम जा रहा है तेरा भाई है? कसम दादी से पूछो। लंबा भी हो गया है। हाँ, लंबा तो नहीं हुआ। मुझसे यार मुझसे भी गाइस देखो मुझसे भी लंबा हो गया यार। वो तो मैं हूँ दीदी से लंबा। हाँ मम्मा मुझसे भी लंबा हो गया। वेट लिफ्टिंग नहीं होती जिम में कार्डियो नाम का भी चीज होती है। देखो मैंने एरोप्लेन बनाया। ये मजाक तक नहीं उड़ा सकते। प्लेन उड़ाएगा सही में। पायलट क्या बनेगा? मम्मी ने हमारे लिए रेडी कर रखी है। ओके नाइस। सब्जी। हाँ जी मम्मी क्या बना रहे हो? आलू गोभी रायता सैलेड। अच्छा गुल्ली ने आलू मेथी सुन लिया। मैंने भी आलू मेथी सुना है। अच्छा, तभी तो वो कह रही है मेरी फेवरेट। मैं कहूँ ये तो आलू मेथी नहीं लग रही थी। आलू गोभी है। ओके नाइस। अच्छा नानी मटर भी डालती है आलू गोभी में? मैंने कहा हाँ जी ये डालती है। आओ कंवल जी आओ मस्ती करना बंद करो। आ जाओ जी आ जाओ। ये देखो उनका टीवी शुरू हो गया। ये मेरा फेवरेट है। वैसे मैं अपने घर में सलाद नहीं खाती पर यहाँ के मेरे को सलाद बहुत अच्छा लगता है। मुझे सलाद में सबसे ज्यादा क्यूकम्बर यानी कि खीरा अच्छा लगता है। आप मेरी प्रिय शाम के 7 बज गए हैं और अभी हम लोग देखो सारे निकल चुके हैं गुरुद्वारे मत्था टेकने और जसकीरत ने भी जाना है अपनी वर्कआउट क्लास जिम। या सो चलिए चलते हैं आपको दिखाती हूँ फिर मैं। फाइनली आ गया है। सो फाइनली आ गया। कोई नहीं फाइनली आ गया है जिम। जिम कार्डियो। ओके जाओ पतले हो जाओ बेटा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे से। जसकीरत जिद कर रहा है कि बुआ आप भी चलो एक बार देखो ऊपर जाके कि मैं कैसे करता हूँ। चलो बच्चे का मन रख लेते हैं चलते हैं ऊपर है ऊपर है। जसकीरत कहाँ पे है? फिसलूंगी आप मेरे को शूट करो। वाह चरण कहाँ है कवल के? हमारे स्कूल में ना जो टाइल्स हैं वो ये बड़ा मजा आता है। जो टाइल्स हैं वो ऐसी फिसलन वाली आंटी थी। अच्छा ना जब भी चलते हैं ना कॉरिडोर में ना हमें लगता है देखो घूमने लगते हैं कि ना हम ऐसे ऐसे हम फिट मारते हैं और वो फिसलते हैं और दो तीन बच्चे तो गिर ही जाते हैं जाके। चलो फिर चलो एक ही पर एक ही सोना ही नहीं उससे यार। ओहो हो हो क्या बोला तूने अभी? ना किटन होंगी जब मैं बड़ी होंगी। मतलब तू सीधा सीधा जाती है कि मम्मी आप घर से निकल जाओ? क्यों दिखा लूंगी यार पर किटन तो क्या व्रत यार आपके तो मेरे क्या फर्क है? बिल्ली का बच्चा छोटा था उसको निकालो आप रहोगे मम्मा
हदी हो गई मतलब है। आप क्यों नहीं क्यूट लगते हैं बिल्ली के बच्चे। हाँ बहुत ही क्यूट। और जो अभी हमें ना एक अभी ना गाइस इसने ना एक बहुत मोटा माऊ बिल्ला देखा और नानी को नानी को नहीं नहीं उससे पहले जब भैया कम छोड़ने वाले थे ना नहीं नानी को कहती है मैं ना जो बड़े होकर छोटी बिल्ली मालूम बिल्ली देखी थी किटन देखी थी। ओके हाँ देखी थी मैंने वो तो पहले दिखी थी हमें वाइट वाली वही तो बता रही हूँ। तो ना जब भैया को छोड़ने वाले जाने वाले थे इतनी क्यूट सी किटन थी वो मैं वैसी लूंगी। आपके घर से निकलोगे अगर बिल्ली आ गई तो हम मैं आपके साथ हूँ मैं किटन नहीं आने दूंगी ना मैं डॉग आने दूंगी। इसका किटन डॉग से कर निकलेगा। बिल्ली जो है जसकीरत आ गया है जिम से वापस और बच्चों ने ले लिया खाने पीने का सामान ठीक है जी ले सकते हैं आप। ओके और नानी जो है बेचारे वेट कर रहे हैं तो हमने बनवाया है पिज्जा बर्गर और नहीं मैं तो वर्कआउट करके मैं तो नहीं खाऊंगा बुआ। इसको देख के मुझे भी लग रहा है मुझे भी वर्कआउट स्टार्ट कर देना है। बट ये अपनी दादी घर रह रहा है और अभी हम आए अपनी नानी घर तो अभी हम थोड़ी बहुत खाए पाएंगे और मैं बहुत टाइम बाद बाजार का खा रही हूँ तो जज मत करना। और खा के मैं अभी आगे से सोचू वर्कआउट स्टार्ट करूँ। चलो ठीक है पहले खाओ पियो फिर वर्कआउट करो। वर्कआउट कर लेगा पता नहीं चलता अगर सरदार लड़का वर्कआउट करे तो याद दिख जाता है पसीना पसीने से पसीना। चलो मैं बोलती हूँ नानी को ठीक है कि जसकीरत के लिए मत मंगाना भाई वो जिम उसने करी है तो उसकी फिर ऐसे मेहनत खराब होती है और क्या अगला इतनी मेहनत करके आए एक घंटा पसीना भाग के आया अगला भी रुका था क्योंकि ना चलो बहुत बढ़िया गुड ये भी है देख सकते हो पिज्जा पार्टी चल रही है आज तो नानी हाउस पिज्जा है और बर्गर्स है एंड ग्रिल सैंडविच है। ये अपनी डाइटिंग पे भाई वो अपना पक्का कहता नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा बस चिली फ्लेक्स ले और मैं इटालियन वाली। चलो जी नानी का मन था पिज्जा का मेरा मन था बर्गर का इसका मन था सैंडविच का। सो मेरा कहां है बर्गर ओके थैंक यू विद सम सॉस थैंक यू सो मच एंजॉय कर रहे हैं टी और बच्चे देख रहे हैं कपिल शर्मा शो हमारा ये ऑल टाइम फेवरेट है। और ये चाय बनाई है जसकीरत ने थैंक्स टू हिम अच्छी बनी है ये चाय आप तीनों के नाम अंडर माय गाइडेंस मैंने एक भी इन्होंने बस पत्ती फूकी और दो चुटकी भर इसमें तूने शुगर पत्ती डाल के अच्छी थी चुटकी भर वो डाल के चाय पत्ती चलो स्टेट्यून बोल दो स्टेट्यून। नेक्स्ट डे चढ़ गया है और ब्रेकफास्ट भी हम कर चुके हैं लंच भी हम कर चुके हैं पर शूट ही नहीं कर पाए बिकॉज मम्मा के घर पे इतने टाइम बाद आए हैं तो कभी सिस्टर का फोन आ रहा था लंदन से उससे बातें करी तो ऐसे ही दिन निकल गया। सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे हम कहाँ बैठे हम बैठे हैं ई रिक्शा पे और मैं दिखाती हूँ आपको सामने कवल और मम्मा भी बैठे हुए हैं तो अब हम जा रहे हैं सागर रत्ना और मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मा का एक्चुअली बहुत मन था कि भाई चलो डोसा वोसा खा के आते हैं ना वहाँ का तो साउथ इंडियन तो मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। हेलो कर दो सबको। So, चलो खुश हो मम्मी चले और बताओ जी अभी गुरली ने बनाई थी एक्चुअली आलू मेथी बट वो रात के लिए बना के आई है बहुत टेस्टी बनी है थैंक यू मुझे सिखाया मम्मी ने लेकिन नो डाउट मेरी सासू मम्मी बहुत अच्छा बनाते हैं तो ये जो है ना ये बिना प्याज और टमाटर वाली ये मेरी मतलब जो है सास मम्मी वो बहुत अच्छा बनाते हैं तो उस तरीके से हमने बनाई है सिंपल बहुत। हाँ ये वीडियो इतना पता लग रहा ना ई रिक्शा बैठा दौड़ 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 हिल रही है पता लग रही है इंडिया की सड़कें कैसी है। हाँ बट फिर भी इंडिया इज द बेस्ट ऐसा कुछ नहीं है सही बता रही हूँ है ना मम्मी। देखो मम्मा भी कह रही है लंदन गई थी लेकिन मैंने एक ही बात करी समझी है इंडिया इज द बेस्ट इंडिया अपनी कंट्री का सारे क्या कह रहे थे भैया। मैं कह रही थी मैं भी लंदन गई थी तो वहाँ पे जाके मेरे को मैंने नोट किया जो मैंने जज किया मेरे को यही लगा कि इंडिया इज द बेस्ट अपनी कंट्री से बेस्ट तो कोई है ही नहीं है ही नहीं बिल्कुल सही बात है गाइस सब फैसिलिटी है ऐसे लोग बार बार क्या कहते हैं आउट ऑफ इंडिया कुछ नहीं है कॉल बिल्कुल कर दो कॉल पे क्या बात हो गई सागर का तो उतरे ही नहीं। हाँ सडनली मूड चेंज हो गए हैं हल्दीराम का हम लोग उतर रहे हैं हल्दीराम यहाँ के दिखा से मुझे लग रहा है दूसरा मॉल है ये सीने पॉलिस है ना रोहिणी कौन सा यही वही तो यूनिटी वन क्या बोलते हैं नहीं नहीं डियर भैया बच्चे हैं तो मॉल वही है वही तो स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ चलो चलते हैं चलो कवर
सो मम्मा यहाँ पे तो क्रिसमस की रौनक है। हाँ क्रिसमस की रौनक है, तो चलते हैं। वैसे भी हम कहाँ जा रहे हैं? बाकी डेकोरेशन अच्छी है और मॉल तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे क्या कुछ तो है मम्मा, कुछ तो है दया। सुनो मैं कम में वही तो कह रही हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? नानी कह रही है वो देखो उधर ग्लोबल देसी चलो उधर से सूट लेते हैं। मम्मा कहती सूट थोड़ा लेने आया हैं वैसे घूमेंगे। तो मैंने कहा नानी नो नानी चलो नानी नो। नानी का सूट का इतना शौक है ना। नानी को बहुत ज्यादा यहाँ गाइस मेरी मम्मा को सूट का बहुत शौक है और पर्सेस का मम्मा को मेरी हाँ पर्स का तो है मुझे नो डाउट। और मुझे सो मुझे है हमारा मूवी हॉल। तुझे आप मेरी मम्मा को बता तुझे बुकिंग का नहीं चीजें लेने में स्टेशनरी स्टेशनरी और तुझे डांस का और मुझे डांस का आर्ट का। कर रही है पाव भाजी भाई। ऑर्डर तो हमने बहुत कुछ करा था बट एक्चुअली यू नो भगवान ने मेरी पहले सुन ली और मेरा खाना आ गया। गुलिन के ऑल टाइम फेवरेट। एक्चुअली अभी मैं खाना नहीं वाली, मैं बस केक पिक लेनी है तो फोन दे दो। अच्छा वो अच्छा जी फोटो चाहिए। सो कवल इज एंजॉयिंग डोसा। खालो खालो जी। तो अभी हमारा ये दीदी का भी आ गया है ना। कैसा ही है? अच्छा दीदी कैसा लगा? हाँ क्या कह रहे हो? आ जाओ जी खा लो। हाँ हाँ मैंने भी खाया। गाइस नानी को ना नानी ने शायद कभी रबर डोसा करा होगा टाइम पर उन्हें याद ही, तो उन्होंने नॉर्मल मसाला डोसा लिया है और हमने लिए रबर डोसा। और सॉरी नानी बट हमारा वाला बेस्ट है डोसा। यस तो सेट यू जो है हल्दीराम से आ गए हैं बाहर। कितनी सुंदर डेकोरेशन है ये देखो। याद है मैंने अपने यहाँ पे फोटो खिंचवाई दिया ना हमारी। चलो फाइनली हमें ना कहीं भी सॉफ्टी नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल से मिली गाइस, बहुत मुश्किल से। मतलब लिटरली मैकडी में हम दो बार राउंड मारे पर हमें सॉफ्ट की इतनी लाइन लंबी है ना, कितनी मुश्किल हुई। हाँ ये हम गए थे बर्गर के। हाँ हार के मैकडी से मिली गई हमें। मम्मा के घर मेरा लास्ट डे और मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हो आप। जसकीरत भी आ गया स्कूल से
और अब बस मेरा बैग पैक है, मैं निकलूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ गुरली ने देखो क्या बना के खिलाया। टेस्टी टेस्टी कड़ी चावल। सो कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे हैं। आपको कैसे लगे? टेस्टी, बहुत अच्छे। आपको कैसे लगे? बढ़िया। थैंक यू। आपको कैसे लगे? बहुत बढ़िया। टेस्टी लगे नानी? अच्छा। आपको कैसे लगे दीदी? फटाफट बोल दो, अच्छे लगे कि नहीं? देखो सब देख रहे हैं। चलो जसकी रहते मेरे कान में कहा जो भी खाएगा उसे जन्नत मिलेगी, जन्नत। ओए होए, घर पे आ जाओ। चलो सब ब्लॉग का करते एंड, ठीक है? नानी हाउस की मस्ती करे, मम्मा ब्लॉग का एंड करे, ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। फटाफट एक बाइट खा के दिखा दो सबको, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। नहीं ओके, नहीं कोई कैमरा चाहेंगे, वो फर्स्ट क्लास रील बना दिया। चलो भाई, बाय बाय।